15 अगस्त के दिन अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत फूड पैकेट मिल चुका है। तो जब योजना का शुभारंभ किया गया तो हर एक जो दुकान थी राशन की उसके ऊपर कुछ एक फूड पैकेट भेजे गए थे, उसका वितरण किया गया था। इसकी वजह से सभी लोगों को फूड पैकेट नहीं मिल पाए थे। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, क्या हमें फूड पैकेट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ रहे थे। और हो सकता है कि आप खाद्य सुरक्षा में होने के बावजूद भी आपका फूड पैकेट योजना में नाम ना हो। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन आप इस योजना की लिस्ट के अंदर अपना नाम किस प्रकार से देखेंगे या फिर पात्रता की जांच किस प्रकार से करेंगे कि आपको फूड पैकेट मिलने वाला है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपका फूड पैकेट योजना में नाम नहीं है तो किस प्रकार से नाम जुड़वा सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा फूड पैकेट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे जैसे मैं ऐसे और कोई वीडियो लेके आऊँ जो कि सरकारी योजना या फिर आपके लिए ज़रूरी हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना है, पास में बेल आइकन दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन आपको ऑन कर लेने हैं। अब बात आती है योजना की। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार हैं, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए परिवार हैं, उन सभी परिवारों को फूड पैकेट दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त रखी गई थी कि उन सभी लोगों को महंगाई राहत कैंप में जाके जन आधार कार्ड से अपना पंजीयन करवाना है। तो जिस किसी ने भी अपना पंजीयन करवाया है उन सभी को फूड पैकेट मिलेंगे। तो फूड पैकेट जल्द ही सभी लोगों को मिलने लग जाएंगे। शुरुआती दौर के अंदर कुछ एक लोगों को मिल चुके हैं, जो कि इसका शुभारंभ किया गया था तो ये कंफर्म किया गया था कि सभी गांव के अंदर या फिर सभी पंचायत के अंदर कुछ एक लोगों को ये वितरण किया जाए, जिससे कि पता लग सके कि ये योजना आ चुकी है। अब जब आपको मिलने लगेंगे तो आपको योजना की लिस्ट में नाम देखना है कि अपना पंजीयन सफलतापूर्वक हुआ या फिर नहीं। आपने महंगाई राहत कैंप में जाके फॉर एग्जाम्पल पंजीयन भी करवा लिया है, लेकिन फिर भी हो सकता है पंजीयन सफलतापूर्वक नहीं हुआ और लिस्ट में नाम नहीं हो, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम है इसका मतलब फूड पैकेट मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको महंगाई राहत कैंप में जाके पंजीयन करवाना है तभी आपको ये फूड पैकेट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए योजना की लिस्ट में नाम देखने के लिए आगे मैं प्रोसेस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसको एक बार आप समझ लें। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप उस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद आगे आपको क्या करना है तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पे आएंगे तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले फूड पैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेटस देखना भी सिखाऊंगा और योजना में नाम जुड़वाना। तो 1 किलो चना दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर यहाँ पर मिलेगा, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर आपको एक फूड पैकेट के अंदर दिया जाएगा। ये सभी एक पैकेट के अंदर आपको दिया जाएगा। 1 लीटर खाद्य तेल अलग से मिलेगा। अब जब योजना में स्टेटस देखेंगे और वहाँ पे अगर आपका नाम नहीं बताता तो आप नाम कैसे जुड़वाएंगे? अगर आप खाद्य सुरक्षा में हैं तो आप नाम जुड़वा सकते हैं। तो महंगाई राहत कैंप में जाके आपको नाम जुड़वाना है, जो कि 24 अप्रैल से 30 जून तक लगे थे, लेकिन अभी भी तहसील स्तर पर या फिर जिला स्तर पे जो कैंप अभी भी कहीं कहीं लगे हुए हैं वहाँ पे जाके आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो वहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो कुछ एक डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे, जिसके अंदर शामिल हैं जन आधार कार्ड आप एक तो अपना लेके जाएंगे, एक आपका राशन कार्ड आप लेके जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन नंबर साथ में लेके जाएंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और महंगाई राहत कैंप जहाँ पर भी लग रहे हैं आपके पास आसपास वहाँ पर जाके नाम जुड़वा सकते हैं। अब योजना की लिस्ट में नाम देखने के लिए अगर आपका नाम जुड़ा या फिर नहीं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे योजना लिस्ट में नाम जुड़े का ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। आप इस पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ड्रैग करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे अपने जन आधार कार्ड संख्या आपको दर्ज करने हैं। यहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अगर आपका योजना में नाम होगा तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना यहाँ पे बताने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका इस योजना में नाम है और आपको निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया जाएगा। अगर इस प्रकार से यहाँ पे महंगाई राहत कैंप के स्टेटस के अंदर इस प्रकार से बता रहा है, तो इस प्रकार से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं
कि आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हुआ है या फिर नहीं हुआ इस योजना के अंदर, और आपको अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेगा या फिर नहीं। तो जन आधार कार्ड से इस पोर्टल के माध्यम से आप स्टेटस बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। तो ये तरीका था योजना की लिस्ट में नाम देखने का। अगर आपके यहाँ पे जन आधार कार्ड के अंदर जब आप महंगाई राहत कैंप का स्टेटस देखेंगे और वहाँ पे आपको अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बता रही है, इसका मतलब आपको फूड पैकेट मिलेगा, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फूड पैकेट आपके यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको फूड पैकेट लेने जाना है अपना जन आधार कार्ड लेके, और फिर आप फूड पैकेट लेके आ सकते हैं। फूड पैकेट के अंदर क्या क्या मिलेगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि इस योजना से जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी करें। तो बाय बाय दोस्तों।